All right, so hey, what's up everybody? This is Ajay Shinde back into the game with new video. तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है MS Paint GTS 2E के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे FCC सर्टिफिकेशन हो गया है और पहले ही इंडोनेशियन टेलीकॉम सर्टिफिकेशंस के ऊपर ये अपियर हो गया है। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि ये अपियर्स या लीक्स क्या क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों MS Paint GTS 2E जो हो गया था अपियर इंडोनेशियन टेलीकॉम सर्टिफिकेशन के ऊपर, तो वहां पे उसका मॉडल नंबर था 8 2021, मतलब 82021, तो वहां पे वो अपियर हो गया था। लेकिन अभी यहाँ पे एक लीक निकल के आया है, मतलब FCC सर्टिफिकेशंस के ऊपर भी ये प्रोडक्ट आ गया है। तो यहाँ पे MS Paint GTS 2E का FCC ID भी 8 2021, मतलब 82021 है। तो यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट जो है वो कंफर्म हो गया है और ये प्रोडक्ट जल्द ही आने वाला है। तो ये प्रोडक्ट जल्द ही आपको ग्लोबली लॉन्च होते हुए देखेगा, स्पेशली ये चाइना में जल्द ही लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक यही लीक्स आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फीचर एक लीक हुआ है, मतलब बैटरी का फीचर लीक हुआ है। यहाँ पे आपको बैटरी मिल रही है 240 mAh की। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है MS Paint GTS 2 में आपको 246 mAh की बैटरी मिल रही थी, तो वहां पे आपको 7 days का रेगुलर यूज मिल रहा था और अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो आपको 20 days की स्टैंड बाय बैटरी मिल रही थी। और यहाँ पे भी कोई फर्क होने नहीं वाला है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा बैटरी लाइफ में। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि ये सब प्रोडक्ट्स लॉन्च कब होते हैं। लॉन्च डेट अगर कंफर्म हो जाती है तो आपको पहला वीडियो मेरा मिल जाएगा। तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। टिल देन बाय बाय, दिस इज अजय शिंदे ओवर एंड आउट।